हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एरोडायनेमिक टर्म के बारे में। इसमें हम एक दो चीज़ें नहीं कई चीज़ें पढ़ेंगे एरोडायनेमिक टर्म के बारे में, जैसे कि क्या होता है एंगल ऑफ अटैक, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है उसके साथ साथ इसमें पढ़ने वाले हैं कि कोर्ड लाइन क्या होती है और मेन कैम्बर लाइन क्या है, एवरेज कोर्ड लाइन क्या होती है, मैक्सिमम थिकनेस कहाँ पर होती है, वॉश आउट क्या है, वॉश इन क्या है, स्टाल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ बेटर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और एरोडायनेमिक में आगे बढ़ने के लिए अब ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, सारे टर्म जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को शुरू कर दें, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो पहले आप समझिए कि लीडिंग एड्स क्या होता है, ट्रेलिंग एड्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। तो जो विंग होता है, विंग तो ऐसा कुछ कैम्बर की तरह होता है, इसको मैं बता ही चुका हूँ। तो जो विंग होता है, जो बिल्कुल इसका सबसे आगे वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लीडिंग एड, जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है। वहीं पर जो सबसे पिछला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग एड। जहां से एयर आती है जिस साइड से विंग पर, वो होता है लीडिंग एड, और जहां से निकलती है वो होता है ट्रेलिंग एड। बिल्कुल आसान, बस इतना। अब चलिए आप समझिए कोर्ड लाइन किसे कहते हैं, कोर्ड लाइन। तो जो लीडिंग एड्स होता है वो ट्रेलिंग एड्स होता है, इसको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो मिलाती है लीडिंग एड्स से ट्रेलिंग एड्स को, इसी को कहते हैं कोर्ड लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाती है। और अगर कोई बोले कि मेन कोर्ड लाइन क्या है, तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एड्स टू ट्रेलिंग एड्स, एवरेज डिस्टेंस जो होती है उसको कहते हैं मेन एरोडायनेमिक कोर्ड बोलते हैं। अब समझिए कि मेन कैम्बर लाइन किसे कहते हैं, मेन कैम्बर लाइन होता है कि जो थिकनेस होती है, मैक्सिमम थिकनेस जहां पर है, मैक्सिमम थिकनेस उसके बीच से जाने वाली लाइन को मेन कैम्बर लाइन, मतलब कि मेन कैम्बर लाइन जो है ऐसा नहीं कि स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल, अब ये जो है कर्व को फॉलो करके जाएगी। देखिए आप यहाँ पर कर्व को फॉलो करते जा रही, जो कर्व है ना बिल्कुल आधी डिस्टेंस है ऊपर से नीचे, जो मैक्सिमम थिकनेस है इससे आधे डिस्टेंस लेंगे, फिर उसी पर कर्व को फॉलो करते हुए लाइन जाती है, इसको कहते हैं मेन कैम्बर लाइन कहते हैं। ओके, इतना सब समझ गए होंगे आप क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो ये जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो इतना था कोड लाइन क्या हो गया, मेन कैम्बर लाइन, लीडिंग, ट्रेलिंग। अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे जो डीजीसीए में पूछा जाता है, और यहाँ से डीजीसीए का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन डीजीसीए में बहुत बार पूछे जाते हैं, एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक क्वेश्चन ये रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते कि एंगल ऑफ अटैक को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं किया सकता। कैसे नहीं किया सकता उसी को समझते हैं। और एंगल ऑफ अटैक कौन सा एंगल होता है, किसके किसके बीच का एंगल होता है, तो इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी क्लियर करते हैं बिल्कुल फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ये है हमारा क्या, एक कैम्बर सर्फेस है, ये हमारा विंग। ओके, देखिए अब इसमें कोड लाइन क्या है आप खुद बताइए। एंगल ऑफ अटैक जो होता है, अभी एंगल ऑफ अटैक समझिए, एंगल ऑफ अटैक जो होता है वो होता है कोड लाइन और एयर फ्लो, जो एयर आ रही है उसके बीच का एंगल। अब समझिए पहले यहाँ पर कोड लाइन क्या है, कोड लाइन मैंने बताया था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, देखिए ए वाली लाइन ए, 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 ए बिल्कुल स्ट्रेट जो जा रही है यहाँ से, ना कि कर्व को फॉलो करते हुए, ए स्ट्रेट लाइन ऐसे निकली निकली निकली, ये है कोड लाइन, देखिए कोड लाइन। अब मैंने क्या बोला, कोड लाइन और जो एयर फ्लो आ रही है उसके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। चलिए अब एयर किधर से आ रही है, एयर इस तरह आ रही है, अब चाहे ये तो हमारा विंग है, हम चाहे इसको ऐसे कर दें ऐसे कर दें ऐसे कर दें, हवा तो हमेशा ऐसे ही जाएगी ना। देखिए ये हमारा विंग है, अब इसको हम चाहे इधर इस तरह किए रहें या फिर ऐसे कर दें ऐसे कर दें, एयर तो हमेशा ऐसे जाएगी। तो कोड क्या है, कोड हमारा इधर है अब, और एयर इस तरीके से जा रही है, इसको चेंज करने से जो है कोड चेंज होगा, ना कि एयर चेंज होगी, और कोड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ अटैक भी बढ़ता जाएगा। समझिए यहाँ से ये हमारा कोड है, इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर आ रही है, और इन दोनों के ए है एयर वाला लाइन और ये है कोड वाली लाइन। देखिए इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ अटैक, इसको बोलते हैं, आई होप एंगल ऑफ अटैक चेंज आप समझ गए होंगे। तो कौन सा एंगल होता है इन दोनों में से जो जिसको चेंज किया जा सकता है, चेंज होता रहता है, तो एंगल ऑफ अटैक हमेशा चेंज होता रहता है, कोड तो बदलता नहीं है। अब जैसे जैसे एयर फ्लो, जैसे जैसे विंग है टेक ऑफ किया एयरक्राफ्ट, अब तो फिर विंग की इस तरीके से हो गई, एयर अभी भी उसी डायरेक्शन में, तब तो एंगल ऑफ अटैक बढ़ गया। तो कुछ इस तरीके से एंगल ऑफ अटैक को आप आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब समझिए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले कि कोड लाइन और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस जब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कभी भी चेंज नहीं किया सकता, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एयरक्राफ्ट का सेम रहता है। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, मैंने क्या बोला पहले कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट अच्छा नहीं बना समझने की कोशिश करिएगा, एक एयरक्राफ्ट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ए वाली एक्सिस को बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ए वाली एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई, और जो लेटरल एक्सिस होती है हमारी कौन सी एक्सिस, जो हमारा विंग होता है उसको लेटरल एक्सिस, इस एक्सिस के बारे में बताएंगे आपको स्टेबिलिटी वाले पार्ट में। बस इतना समझ लीजिए कि
जो फ्यूजलाज होता है एयरक्राफ्ट का वो पूरी एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो हमारा टेल होता है जो वर्टिकल स्टेबलाइजर वगैरह होता है वो सारी एक्सिस जो है हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, और लेटरल एक्सिस इसको बोलते हैं जो विंग को फॉलो करती हुए एक विंग के टिप टू दूसरे विंग के टिप जाती है, उसको बोल देते हैं हम लेटरल एक्सिस। तो समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच का और जो कोण है, कोण के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉन्गिट्यूडनल तो ये हो गया। अब कोण देखिए, यहाँ पर मैं कोण बनाया हूँ तो समझ रहे होंगे विंग होता है ऐसे कुछ उठा हुआ होता है ना, देखिए एयरक्राफ्ट है हमारा। अब ऐसा है नहीं कि बिल्कुल इस तरीके से विंग होगा, विंग होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है तो उसका विंग उठा है तो इसका कोण समझने की कोशिश करिए, कोण कुछ इस तरीके से होगा ना। अब एक हो गया लीडिंग एज, इधर से ट्रेलिंग एज, ये हो गया कुछ कोण, तो यहाँ पर इसलिए कोण ऐसे कुछ समझने की कोशिश करिए इस तरीके से, और इसके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कभी भी चेंज नहीं किया जाता। ये वाला क्वेश्चन डीसी में अधिकतर पूछा जाता है कि किससे किसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन चेंज किया सकते हैं कौन नहीं किया सकता। चलिए अब पढ़ेंगे हम कि वॉस आउट क्या होता है और वॉस इन क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉस आउट और वॉस इन को समझना। स्टापेज मान लीजिए कि स्टाल करेक्टरिस्टिक होता है उसको बेटर बनाने के लिए वॉस आउट प्लेन को किया जाता है। स्टाल करेक्टरिस्टिक क्या होता है, जब एक निश्चित टाइम के बाद जब एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब प्लेन की लिफ्ट डाउन हो जाती है, इसको हम और डिटेल बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए स्टाल ऐसे ही जब प्लेन की लिफ्ट जो है डाउन होने लगती है बहुत ज्यादा एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देने से, तो उसी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर लिफ्ट कम होना शुरू हो जाता है, उसी को कहते हैं स्टालिंग पोजिशन। तो स्टालिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे इसलिए इसको वॉश आउट करना जरूरी होता है। वॉश आउट का मतलब ये होता है कि जो रूट होता है एयरक्राफ्ट का, रूट साइड, रूट कौन सा साइड होता है, जहां पर फ्यूजलाज से विंग जुड़ा होता है, जहां से फ्यूजलाज से विंग जुड़ा होता है उसको रूट कहते हैं। जो रूट वाला साइड होता है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है टिप वाले साइड से, जो टिप बिल्कुल बाहरी होता है विंग का, वहां से जब ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने क्या बोला कि रूट का ज्यादा होगा टिप की कंपैरिजन में, तो वॉस आउट कंडीशन होती है और एक बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है किसके लिए, स्टालिंग करेक्टरिस्टिक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर जो है ज्यादा है, ये क्या हो गई हमारी कोर्ड लाइन जो होती है, और ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रहा है, इधर ज्यादा होती है। अब आप बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा रूट साइड होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप समझ ही गए हैं यहीं पर, तो क्यों बार बार बताऊं एक ही चीज को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रूट साइड पे ज्यादा होता है और टिप के कंपेरिजन में, तो इस कंडीशन में अच्छी स्टालिंग करेक्टरिस्टिक होती है, वॉस आउट बोलते हैं। वहीं पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमारा वो रूट साइड पर कम है टिप साइड पर ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन को वॉस इन कंडीशन कहते हैं, प्लेन के लिए अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, वॉस इन कंडीशन वॉस आउट ज्यादा ठीक ठाक मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टर्म पढ़ लिया आज के एरोडायनामिक टर्म का हमारा, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।